शास्त्र वेद पुराण से मिलता गर्भ का ज्ञान, संस्कारी जीवात्मा को कैसे करे आह्वान, कोमल हृदय उत्तम विचार पति पत्नी करते सदा, गर्भाधान संस्कार। चाहे गर्भाधारण कर गर्भाधान मंत्र उच्चारण, मासिक धर्म के 10वें दिन से मासिक धर्म के 20वें दिन तक देव स्तुति और स्नान आदि, केसर चावल जल और हल्दी, फूल नारियल और माला आदि करना गर्भ की पूजा विधि, इंद्र देव और प्रजापति जी, अग्नि विष्णु और सरस्वती, आशीष देवता देते सारे, स्वस्थ बीज ही गर्भ पधारे, पोषण पाए शिशु तो 9 माह सुरक्षित हो, ऐसे हमें संतान दो बल बुद्धि आयु हो। कलश दीप स्थापित करके खुशी के सुंदर दीप जला के, मंगलाचार गीत सब गाते आशीष देते सब श्री ही जन, गर्भाधारण के बाद माता कहते हैं सब वेद के ज्ञाता, दिनचर्या का पालन करना, गर्भ शिशु की रक्षा करना, सात्विक पौष्टिक भोजन करना, योगासन और कसरत करना, मन में चिंता जरा न रखना, सुखी पलों के स्मरण करना, मन भावन संगीत सुनो, देखो चित्र सुंदर, स्वच्छ पवन मिलती हो जहाँ माता करे भ्रमण। औषध रसीकरण और चलना, घात आघात से सदा ही बचना, सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ कर खाना पीना, स्वस्थ शरीर और निर्मल मन हो, तन मन रहता सदा प्रसन्न हो, धर्म कथा और प्रेरक गाथा इन मन में प्रभु के दर्शन हो, पहले मास जस योजन गर्भ विकास का प्रारंभ होता, शरीर वा का पुष्ट है होता, आनंद मुख पर झलकने लगता, 5 तत्व से बनता है शिशु की हो रचना, वृद्धि शिशु की होती है आकार वो लेता। संस्कार प्रीति का पंच पिंड है बनने लगता, हाथ पाव और आँख नाक सब सूक्ष्म रूप से बनने लगते, शिशुर रुधिर चतुर्थ में बनता, गर्भ तनिक सा हिलता डुलता, माँ का गर्भ से मिलन है होता, गर्भ मात नाभि से जुड़ता, पंच मास में श्रवण किया हो, मंत्र उच्चारण की विधि हो, माता पिता जो कुछ भी बोले गर्भ शिशु उस क्रिया में डोले, छठा मास
गर्भाधान की सारी बातें मन में बैठाना, परिचर्या का पालन करके शिशु को तुम पाना। बंसे शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशुदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे कही किंकिणी काछिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पाय पान सुर मार्यो, मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला भै शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोबर धन नख धारी बचायो,
लखी यशोदामन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह चौदस भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधाम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन का राज दिलाई। महिषे मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षट दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, संदुल तीन मुठ मुख डाल्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे शाम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ आके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, पढ़े चीर भय अरि मुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावै नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि की जे बनवारी।
नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा श्री कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी।